नड्डा। छोटे पैक में बड़ा दिल, 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 छोटे पैक में बड़ा दिल। हम दोस्तों आज आपां जो इल्ली देखने आ रहा हां या मंडावा के अंदर मंडावा कोठी के नाम से प्रसिद्ध इस इन हवेली के अंदर आपा मिलांगा युवराज जी जो अठे का ओनर है। युवराज जी के साथ आपा ये हवेली को आगे को पूरा दर्शकों ने लुफ्त कराऊंगा, तो आपा अंदर की ओर चला आइए पधारो सर। तो एंट्रेंस अंदर प्रवेश करते ही हम सबसे पहले जो देख रहे हैं ये शायद इसका जो मर्दाना चौक होगा। तो एक बार भाई साहब से मैं पूछूंगा ये मर्दाना चौक ही है? सर कह सकते हैं, वैसे यूजुअली दो चौक होते हैं हवेलियों में किसी में भी, जिसमें एक बाहर गेस्ट के लिए होता है, दूसरा अंदर फैमिली के लिए। फिर पुराने सेठ होते थे, इनका व्यापार होता था, रोज पैसे का लेन देन। कहते हैं कि गेट के बाहर मतलब ऊँट का गाड़ा भर जाए इतनी तो चप्पल जूते खुले होते थे रोज, तो लोग बाग आना जाना लगा रहता था। इसलिए पहला जो चौक है वो थोड़ा खुला बनाया जाता था ताकि काफ़ी लोग यहाँ पे आ सके, कोई बातचीत है कुछ भी हो रहा है तो वो चीज़ हो सके। और फिर अंदर का दूसरा चौक होता था जहाँ उनका परिवार होता था। हमने सुना है कि सेठ केदारमल जी लड़िया ने इस हवेली को बनाया था। जी सर उन्होंने बनवाया, करीब करीब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाया होगा या उससे पहले की बात है। और हम यहाँ पे जो सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं ये वही तिबारी स्क्रिप्ट है जो हमने सभी हवेलियों में देखी है। इसको हम मीटिंग रूम भी बोल सकते हैं या उनके बिजनेस की जो डीलिंग होती थी वो शायद इस रूम में होती होगी। एक बार युवराज भाई साहब से पूछना चाहेंगे। जी सर बिल्कुल, वो उनकी बैठक होती थी। हाँ जी, जहाँ वो बैठते थे, लोग बाग आते थे, उनकी मीटिंग्स होती थी। और अब जो है हमने इसको होटल में बना के ये हमारा रिसेप्शन एरिया बना दिया सर इस बैठक को। सभी भाई लोगों आज हम आपको दिखा रहे हैं मंडावा कोठी। ये जो कोठी है ये सेठ जी का रेजिडेंस नहीं था, ये केवल सेठ जी ने अपने बेटे की शादी के लिए बनाया था। तो क्या भाई साहब ये बात सच है कि सेठ जी ने अपने बेटे की शादी के लिए इसे बनाया था? इसके बारे में बेटी की शादी में बारात रोकने के लिए, बारात रोकने के लिए एक रेस्ट हाउस के जैसा या गेस्ट हाउस के जैसा इतना बड़ा हवेली नुमा उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उस जमाने में, जिसकी हम केवल आज कल्पना ही कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका क्या यूज हुआ होगा, जब सेठ जी ने एक बार इसको काम में लिया होगा उसके बाद इसमें आगे भी बराते? या बिल्कुल सर, पूरे उनके समाज की, आसपास के लोगों की, उनके अच्छे जो जानकार होते थे, वैसे वो बहुत भले आदमी थे तो उन्होंने सबके लिए ही ओपन कर रखा था इसे। मैंने ये भी सुना है यहाँ एक सेठ जी की एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग या प्रिंट, दर्शकों को एक बार दिखाने का प्रयास करें सेठ केदारमल जी की जो पेंटिंग है या प्रिंट है, इसके बारे में दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे हम। तो मैं बोलूंगा भाई साहब को कि वो इसको दिखाएं, सेठ जी की उनकी बैठक में ही एक बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये सेठ जी हैं? बिल्कुल सर, यही हैं सेठ जी केदारमल जी। और बैठक के अंदर जैसे अपन बड़े बड़े महलों में भी जाते तो उनकी बैठक में देखते हैं राजा महाराजाओं की, जितने भी रहे हैं उनकी पुस्तें रही है, सबकी पेंटिंग्स लगी होती है। ये भी उनकी हाथ से बनाई हुई पेंटिंग लगी हुई है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ सिर्फ इन्हीं की पेंटिंग है और किसी की और किसी की पेंटिंग नहीं, क्योंकि इनके आगे की जो जनरेशन थी, इनका जो लड़के थे उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अच्छा जी, तो वो सेपरेट हो गए थे तो और आगे जनरेशन बढ़ी नहीं, और जो लड़के थे वो मुंबई रहते थे। एक बहुत ही सुंदर बात इन्होंने बताई है जो शायद किसी को नहीं पता होगी कि सेठ जी के आगे की जनरेशन चली ही नहीं, और हो सकता है आज के समय में भी हम देखते हैं कि शादियां नहीं चलती, तो उस जमाने में भी ऐसा होता था। लेकिन एक बात और है, ये सेठ जी केदारमल जी उस जमाने के बहुत ही रईस व्यक्ति थे। जी बिल्कुल थे, सबसे मंडावा के सबसे पैसे वाले सेठ कहते हैं उनको। हाँ, लड़िया तो की काफी हवेली भी है शायद उनकी भी हवेलियां होंगी। तो अब हम धीरे धीरे इसी हवेली के अंदर वाले कोर्टयार्ड में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही सुंदर डोर और उसके ऊपर एक बड़ी दहलीज और उसके बाद ये पौड़ी, शायद इसको पौड़ी बोलते हैं मारवाड़ी में। जी सर। तो लेडीज कोर्टयार्ड और मर्दाना को जोड़ने वाली जो हिस्सा है उसको पौड़ी बोलते हैं।
इसमें भी एक बहुत सुंदर शायद ये बेल्जियम ग्लास है, क्या वो तो भाई साहब बता पाएंगे, एक बहुत सुंदर शीशा लगा रखा है ये। सर सारी जितनी भी चीजें आप देखोगे कोठी में, सब हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगहों से इकट्ठी करी है। एंटीक्स हैं, अलग अलग फर्नीचर है, जो भी आप देखेंगे यहाँ तक कि जितनी पेंटिंग्स भी आप देख रहे हैं, ये शायद रवि वर्मा के प्रिंट जैसे कुछ मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सब ओरिजिनल प्रिंट्स है और सब पुरानी हवेलियों से निकाले हुए हैं। तो अभी इस बरामदे में मुझे लगता है आपने इनको शायद रूम्स में कन्वर्ट कर लिया होगा सभी को। जी सर, ये जो है हमारा दूसरा चौक आ गया। हाँ जी, और ये हमने सभी जो है रूम्स बना दिए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर, ऊपर देखिए आप, वो पार्ट देखेंगे आप पूरा काला हो रखा है। हाँ जी, तो हमने जब इस हवेली को परचेज किया था तो एक फैमिली रह रही थी जो कि सेठ जी के लिए काम किया करती थी। सेठ जी के जाने के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी हवेलियां थी सब केयर टेकिंग वो ही करते थे, उनकी केयर टेकिंग वो फैमिली करती थी। तो वो फैमिली जो यहाँ रह रही थी उनका किचन होता था सर उस एरिया। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा काला था। वो स्मोक की, क्योंकि पहले चूल्हे पे सब बनता था तो स्मोक की वजह से ये पूरा एरिया काला था, तो इसलिए हमें नीचे नीचे का पूरा वापस रिपेंट करवाना पड़ा। ये ऊपर का ओरिजिनल है पेंटिंग एकदम, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बनाई है। जो भी फ्रेस्कोज पुरानी है वो फ्रेस्कोज एज इट इज रखी है। प्लस मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ, इनके ऊपर की जो फ्रेस्को है ये डेकोरेटिव है। फ्रेस्को के तीन चार स्टाइल होते हैं, उनके भी हम चर्चा करेंगे चलते चलते। तो ये सारे डेकोरेटिव हैं, मतलब उस जमाने में फूल पौधे पशु पक्षी इनको भी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता था। एक चीज और है, यहाँ हवेली में जहाँ पे उस जमाने में बरामदे होते थे उनमें शायद अभी इन्होंने रिसेप्शन या क्या वेटिंग एरिया कन्वर्ट किया है। जी, बैठक बना दी है। हाँ जी, तो इस बैठक के बीच से गुजरते हुए हम हवेली के पीछे वाले हिस्से में जहाँ शायद स्विमिंग पूल है उसकी ओर मूव करते हैं भाई साहब के साथ। अभी अभी हम इस हवेली के ड्रोन के व्यू देख रहे हैं, तो ये देखिए कि ये ड्रोन के व्यू कितने सुंदर हैं और रात को ये कैसे जगमगाती हैं वो भी आप इन ड्रोन के व्यू से देखिए। अभी हवेली को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर रखा है। मैं सभी जो विजिटर शेखावाटी आना चाहते हैं उनको बोलना चाहूंगा कि एक बार हवेली में जरूर सेवा का मौका भाई साहब को दे। ये पीछे का जो एरिया है शायद ये नोहरा या इनके केटल्स के लिए होता होगा, बाड़ा होता है। बाड़ा था, तो उसको इन्होंने बहुत ही सुंदर कन्वर्ट किया है स्विमिंग पूल में। आप, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा वो स्विमिंग पूल के पीछे हमारा ठेठ राजस्थानी कल्चर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे भाई साहब आप? सर मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा जिसके अंदर ये जगह की जो ओरिजिनल कंडीशन थी जब हमने इसे रेनोवेट किया उससे पहले की जो फोटोज थी, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे ये वही जगह। मैं बोलूंगा इनको कि वो सारे फोटो कंपेयर करके दर्शकों को दिखाएं कि पहले की जो स्थिति है इसकी और अब की स्थिति में कितना दिन रात का फर्क आ गया है। हमारे दर्शक देख के ये भी सोच पाए कि इन जैसे लोगों के कारण ही शेखावाटी की ये जो बिल्डिंग्स हैं, मैं एक बात बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ, जो आज कमी आती जा रही है उन बिल्डिंग्स को बचाने के साथ साथ उनको प्रिजर्वेशन का प्लान कर रहे हैं। अब बताइए ऐसा पानी का टैंक या ऐसा पानी की कुंडी किसने देखी होगी? आज के जमाने में हम सब बोतलों में डील करते हैं, 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर या फिर 1 लीटर बहुत ईजी है, तो ये उस जमाने की चीजें हैं। देखिए भागदौड़ की ये जिंदगी है और मैं सभी को दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पर्यटन अपने आप में एक अलग चीज है। इस भागदौड़ की जिंदगी से हमें निकलकर एक बार दुनिया या कम से कम अपने आसपास के एरियाज को तो जरूर विजिट करना चाहिए। अभी हम जिस जगह बैठे हैं उछान के बारे में भाई साहब बताएंगे, ठेठ राजस्थानी स्टाइल की है ये, आजकल मिलती ही नहीं है देखने को। सर ये बहुत ही स्पेशल छान हम इसे कह सकते हैं। जो भी इंसान यहाँ पे आज तक विजिट किया है उसने इस छान की जरूर तारीफ करी है एकदम। इसमें हमने बीच में सर टीन शेड लगा रखा है। हाँ जी, इसके ऊपर ये छान है। हाँ, जो डोके अपन कहते हैं उनसे और नीचे भी डोके और नीचे भी और बीच बीच में टीन शेड है। बीच में टीन शेड है, बहुत बारीकी से बनाई हुई है सर। देखिए कोई भी इस चीज का आइडिया नहीं लगा सकता है कि इसके बीच में टीन शेड है, भारी से भारी बारिश आने पे भी इसका कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद एक जो व्यू है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई साहब से मुझे पता लगा कि इस हवेली के अंदर जितने भी टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं अटैच करने के लिए वो सारे हवेली के एरिया के बाहर हैं। सच्चा ये बात? जी सर बिल्कुल। आप ऊपर से दर्शकों को दिखाना चाहें ये जो नया व्यू है इसी में टॉयलेट बाथरूम है, क्योंकि हवेली में ना सीलन आए इनका संरक्षण करने के लिए, हवेलियों का संरक्षण उनको रख रखाव के लिए इतना अच्छा इन्होंने माध्यम यूज किया है उसके लिए काबिले तारीफ है। जो ओरिजिनलिटी थी ना, हाँ जी सर, हमने कोशिश करी है उसको ना छेड़े। जैसे आप वो दीवार देखेंगे, हाँ जी, तो वो दीवार जैसी ओरिजिनल थी वैसी रखी है हमने। एकदम एकदम, इसमें बाहर जो झारिया या झज्जरिया बाटा है वो एकदम बाहर दिख रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल रखी है।
और आपने जिन भी चीजों को जहां भी है वहां यूज किया है वो बहुत ही यूनिक वे से किया है। एक छोटी सी खटिया पड़ी है जिसको खाट बोलते हैं, अब उस जमाने में घरों में भी लोग रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आप देखेंगे इस खाट का व्यू और इस सुकून यहाँ पे जो मिलता है, पर्यावरण के साथ छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे चहचहाते रहते हैं, और इससे भी सुंदर इस हवेली का व्यू जो हमें ऊपर से देखने के लिए मिलेगा उसके लिए हम भाई साहब के साथ एक बार छत की ओर रवाना हो रहे हैं। साथ ही दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम मंडावा गांव के बारे की हिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे भाई साहब। तो भाई साहब, मंडावा गांव की क्या हिस्ट्री है, क्या है ये मंडावा? और दूसरा, उससे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा, कोठी क्या होती है, मंडावा कोठी? तो ये कोठी वर्ड है, ये कहां से है? शायद एक वर्ड आज तक हम सब लोगों ने सुना है, कोठा, बट ये कोठी क्या है? सर, कोठा और कोठी अपने आप में बहुत अलग शब्द है। हाँ, लेकिन हमने आज तक कोठा ही सुना है, कोठी वर्ड है, ये यूनिक लग रहा है, तो क्या इसका मीनिंग है? सर, कोठी जो अपने पुराने टाइम पे सेठ लोगों की बैठने की जगह होती थी या रहने की जगह है, हाँ जी, उसे कोठी कहा जाता था, जो अपने आप में बहुत बड़ी और विशाल होती थी। अच्छा, सही, जिनमें आम आदमी तो जाने की भी जरूरत ना करे। अच्छा अच्छा, एज है ये मान सकेंगे कि जो सेठ साहूकार थे वो कोठी में अपने बिजनेस की या अपने मनोरंजन के लिए या किस चीज के लिए इसको बेसिकली काम में लेते थे? सर, उनका घर ले लीजिए, रेजिडेंस ले लीजिए, हाँ जी, या उनके काम करने की जगह ले लीजिए, हाँ जी, जो ऐसी हो कि जो बाकी सभी आसपास की जगह उसे बड़ी हो। अच्छा, तो अब हम एक मंडावा जो नाम सुन रखा है, इस मंडावा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हिस्ट्री, मंडावा की हिस्ट्री क्या है? ये मंडावा की तो सर बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। हाँ जी, और मंडावा की हिस्ट्री अपन नहीं कहेंगे इसको, हाँ जी, अपन कहेंगे शेखावाटी की हिस्ट्री, क्योंकि मंडावा तो एक छोटा सा शहर है लेकिन इस जगह का अस्तित्व है शेखावाटी की वजह से। तो ये शेखावाटी राव शेखा जी के लिए जाना जाता है? बिल्कुल, लैंड ऑफ शेखा बोलेंगे इसको। उन्होंने ही उनके नाम से इस जगह का नाम शेखावाटी हुआ। देखिए, अभी हम हवेली के एकदम ऊपर तो नहीं कहेंगे, एक फ्लोर और है, बट उसके पहले इतनी सुंदर सुंदर ब्लैक ब्राउनिश हवेलियां दिख रही है, जो कि इस जगह को भाई साहब ने मेरे को बताया और देखने में भी लग रहा है ये हवेली बहुत ही ऊंचाई पे है, और इन्हीं सेठ की वो हवेली झुंझुनू वाला, जो अभी झुंझुनू वाला परिवार उसमें शायद रहता है, केदारमल जी की पुरानी हवेली भी दिखाने का प्रयास करें दर्शकों को, और इसको ड्रोन के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, आइए हम और ऊपर चलते हैं सर। तो एक बार हम और हिस्ट्री जानने के लिए और लुक देखने के लिए एक फ्लोर और ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, और वहां पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था है, और वहां पे हम बैठ के एक छोटी सी एक चर्चा भी करेंगे मंडावा की हिस्ट्री के बारे में। तो इन सीढ़ियों को भी देख के आप आइडिया लगा लीजिए कि आप कहाँ किस भूल भलिया में जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, और ऊपर की इतनी सुंदर व्यवस्था है। दोस्तों, आप मेरे को देख के सोच रहे होंगे हम कहाँ बैठे हुए हैं, मंडावा कोठी के ऊपर हम एकदम राजसी ठाट से ऐसे बैठे हुए हैं, बीच में हमारे चौकी है और पूरे गांव का एक शानदार व्यू है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और चारों ओर ये ब्लैक ब्राउनिश हवेलियां हैं। क्यों ये हवेलियां बनी, क्या है शेखावाटी, थोड़ा सा भाई साहब ने हमें नीचे बताया था, और यहाँ हम एक रिफ्रेशमेंट के माध्यम से करते करते उनसे मंडावा ये इतिहास के बारे में चर्चा करें, हिस्ट्री के बारे में। जी सर, सर जैसा कि मैं बता रहा था कि शेखावाटी से जुड़ती है यहाँ की हिस्ट्री, मंडावा की अपनी अपन हिस्ट्री नहीं कह सकते। हाँ जी, तो शेखावाटी का इतिहास जो है वो 10,000 साल पुराना है सर। 10,000 साल पुराना? जी सर, अपने ब्रिटिशर्स आए, हाँ, जिन्होंने 200 साल तक पूरे देश पर राज किया, और सिर्फ पूरे देश पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर कहते हैं उनका राज होता था एकदम अलग अलग पूरे ग्लोब पे। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले 10,000 सालों तक एक रूट बना हुआ था जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट, जो कि पूरा हमारा एशिया और यूरोप, ये जो दो बड़े महाद्वीप हैं इन जो जुड़े हुए हैं अपने आप में, इनके बीच में एक रूट बना हुआ था जिससे लोग ट्रैवल करते थे और ट्रेड करते थे, व्यापार होता था, घूमते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना इतनी व्यवस्था थी, होटल्स वगैरह ये सब नहीं था, लूटपाट बहुत थी, तो एक ट्रेड बना हुआ था जिससे व्यापार होता था, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का व्यापार होता था वो थी सिल्क, इसलिए इस रूट का नाम हो गया सिल्क रूट। हाँ जी, अब ये रूट जब भारत से निकलता था, स्पेशली हमारे इस एरिया से, तो वो शेखावाटी से होके निकलता था, नॉर्थ इंडिया में से, तो शेखावाटी जो है एक ट्रेड बेस बन गया,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा, मतलब इंडिया से चीज़ें बेची भी जाती और ख़रीदी भी जाती, लेकिन उसका बेस ये शेखावाटी था। उस वजह से जो लोग यहाँ रहते थे वो सारे व्यापारी थे, उन लोगों को आज हम मारवाड़ी भी बोलते हैं। ये हमने सुना है कि जब अंग्रेजों के समय के बाद जितने भी लोग यहाँ से गए तो उस जमाने में चार जोन ही थे, जैसे मारवाड़, मेवाड़। इस शेखावाटी का ना तो आज तक कोई जोन है, अभी तो लोग बोलते हैं संभाग बन गए सीकर, बट उस जमाने में जो भी लोग बाहर जाते थे व्यापार करने के उनको मारवाड़ी बोला जाता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, बट लोग यही बताते हैं कि यहाँ से गया वो भी मारवाड़ी, जोधपुर से गया वो भी मारवाड़ी, तो ये सारे सेठ मारवाड़ी कहलाए। रही बात सिल्क रूट की, तो मैंने एक बुक में पढ़ा भी है कि केवल एक ऐसी चीज थी जो इंडिया नहीं बनाता था, जो इंडिया में नहीं थी, वो थी सिल्क। इसीलिए सिल्क वहां से आता था और बाकी चीजें यहां से जाती थी। यहां से जाने के लिए एक सांबर लेक का नमक भी लोग बताते हैं कि उस समय में ट्रेडर्स लेके जाते थे और अरब कंट्री से ड्राई फ्रूट भी लाते थे। जी सर बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगा युवराज जी आपसे कि ये हवेलियां हैं ये यहीं पे क्यों हैं शेखावाटी में, बाकी जगह तो ऐसी कोई हवेलियां हैं ही नहीं इस टाइप की पेंटेड। सर जैसे कि आपने बताया था कि जितने भी मारवाड़ी थे और जो व्यापार करते थे वो लोग यहीं शेखावाटी से थे और यहीं से उठे हुए हैं सब, क्योंकि इनके पास सर इतना पैसा होता था, क्योंकि या तो उस टाइम क्या था, लोग लड़ते थे या फिर खेती करते थे, ये वो कम्युनिटी थी जो व्यापार करते थे, तो बहुत अथा पैसा होता था इनके, आज भी है, पूरी दुनिया में जितने भी मारवाड़ी सबसे पैसे वाले दिखेंगे आपको। तो अब इस पैसे का करें क्या, आज तो हम टीवी ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, घूम लेते हैं, उस टाइम क्या था, तो वो उस पैसे को अपने घर में लगाते थे, तो उस पैसे से उन्होंने इतनी आलीशान हवेलियाँ बनाई। पैसा और था तो और क्या किया जाए, इंटीरियर बढ़ाए, हवेली के हर कोने पे पेंट करा दिया, तो उसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत हवेलियाँ बनी थी जो कि उनके घर थे। अब आज अगर हम देखा जाए तो इन हवेलियों की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज़ आए, उन्होंने हम पे राज किया, तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था, क्योंकि वो व्यापार करने आए थे, जब उन्होंने हमारे देश पे राज किया तो उन्होंने सबसे पहले बाहर का व्यापार बंद करा, जो सिल्क रूट से व्यापार होता था उन्होंने पूरा सिल्क रूट बंद कर दिया और के अब व्यापार हम ही करेंगे, सिर्फ उन्हीं को कमाना था पैसा सारा। तो जब उन्होंने व्यापार चालू करा तो उनका जो व्यापार होता था वो होता था पूरा जहाज और सी रूट से, वो लोग समुद्री मार्ग से को सबसे ज्यादा व्यापार किया था। वास्को डी गामा जो भारत आया था, ये हमारे दर्शकों को पता होगा जो हिस्ट्री जानते हैं। जी, अब उस वजह से क्या हुआ सर, जो भी अपने पोर्ट टाउन्स जिन्हें बोलते हैं वो बढ़ने लगे एकदम, और वो बड़े टाउन्स बनने लग गए, जैसे मुंबई, सूरत, कोलकाता है, मद्रास है, पौंडीचेरी है, चेन्नई है, ये सारे पोर्ट टाउन्स हैं, तो यहाँ व्यापार ज़्यादा होने लगा। तो जितने भी मारवाड़ी लोग थे, क्योंकि अब ये यहाँ व्यापार बंद हो गया तो अब करें क्या, तो ये लोग उठ के बड़े शहरों में चले गए जहाँ भी व्यापार था। तो आज भी पूरी दुनिया में फैले हुए आपको दिखेंगे बड़े शहरों में मारवाड़ी, जो अपने अपने धंधे सेट करके बैठे हैं। ये जितने भी मारवाड़ी हैं ये पानी के किनारे वाले शहरों पे ही ज्यादा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, क्योंकि पोर्ट वहां थे तो वहां ही उनका मूव होना जरूरी था। वर्तमान में इन हवेलियों की हालत बहुत ही खराब है, बिल्कुल तो है। इसके संरक्षण के लिए आप तो एक हो, लेकिन एक से प्रयास पूरा नहीं होगा। हम इतनी हवेलियां देख रहे हैं, किसी का बंद है, किसी कोई टूट गई है, तो इनके लिए वर्तमान में क्या है सर? अब सिचुएशन वर्तमान की ऐसे है कि जो इनके ओनर्स हैं, अब समझिए कि कोई हवेली आज के 150 साल पहले बनाई गई थी, किसी सेठ ने बनाई थी, अब आज उस हवेली के हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी करके 50 या 100 ओनर हो जाएं। एकदम सही बात है, पार्टीशन जो इंडिया का रूल है उसमें आज उसकी सातवीं पीढ़ी है तो 30-35 लोग तो कम से कम मिलेंगे, कम से कम उसके हो सकते हैं इतने ओनर हो। तो कुछ हवेलियों के इतने ओनर्स है तो ना तो वो बिक सकती है, ना उनमें कोई रह रहा है इस वजह से, क्योंकि सब लोग बाहर चले गए, केयर टेकर छोड़े हुए हैं, कुछ हवेलियों पे कब्जे हो गए, लोगों ने जहाँ देखा कि भाई यहाँ कोई नहीं है अपने दबा लो, दबा ली गई, और कुछ हवेलियाँ तोड़ दी गई, कुछ जो ओनर्स थे उन्होंने बेच दी, ज़मीन बेच दी, कुछ का पता ही नहीं है कि कौन इसका ओनर है, कौन क्या है। तो ना तो सरकार इसमें कुछ कर सकती है, ना बाकी के लोग कर सकते हैं, और देखा जाए कि इसको बेचे भी तो बहुत सी हवेलियाँ इसलिए नहीं बिकती कि अगर 50 में से 2 जने भी ये मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे, तो हवेली नहीं बिक सकती है। तो अब सभी हवेलियाँ बस पड़ी है, ज़्यादातर कुछ है जो बिकती है, जिनके कागज़ वगैरह क्लियर होते हैं, जिनके एक ही इंसान ओनर हो या तो, सभी भाई राजी हों, हाँ, वो हवेली बिक सकती है। देखिए, मैं इन सभी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी सेठ साहूकार है वर्तमान में पूरी इंडिया की इकोनॉमिक्स कवर करते हैं,
उसको ध्यान रखते हैं, इनके बेटे पोते पड़पोते अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो हम ये चाहेंगे वो अपनी हवेली का कम से कम एक ख्याल देखें, उसको खोलें, दर्ज उसको पर्यटकों के लिए खोलें और अपने बाप दादाओं की उस वसीयत को या उस विरासत को संरक्षण करने का प्रयास ज़रूर करें, भले ही वो म्यूजियम बना दें। तो ये मेरा सभी इन सेठ साहूकारों से निवेदन होगा, साथ ही सभी दर्शकों से भी निवेदन होगा कि हम आपके लिए प्रयास करते हैं तो एक बार ज़रूर सेखावाटी आएँ तो भाई साहब से मिलें। मंडावा कोठी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 25-30 मूवीज़ की लोकेशंस और डेली कोई ना कोई प्री वेड शूट कॉस्ट्यूम शूट होता हुआ मिलेगा, और ऐसी जगह ऊंचाई पे है कि यहाँ से पूरा मंडावा आपको ड्रोन के माध्यम से भाई साहब दिखा भी रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। युवराज जी का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।